अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, अब असो लेक्चर चैप्टर थ्री कंटिन्यू मोशन लेक्चर नंबर 10 यानी थर्ड चैप्टर जो नौ लेक्चर टॉपिक इलास्टिक कोलियन एंड इनइलास्टिक कोलियन। इलास्टिक कोलियन लचकदार टकराव, इनइलास्टिक कोलियन गैर लचकदार टकराव। भवानी इलास्टिक कोलियन में इलास्टिक कोलियन दैट कोलियन इनविच मोमेंटम एंड कैनेटिक एनर्जी, यानी मोमेंटम एंड कैनेटिक एनर्जी, दैट कोलियन इन विच मोमेंटम एंड कैनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलियन, बिफोर एंड आफ्टर कोलियन रिमेन्स सेम। बाबा मोमेंटम एंड कैनेटिक एनर्जी टकराव का पहरिया टकराव का पोए सागी रहे, शय पान में टकराजन बिन्हीं की गडियल मोमेंटम टकरण का पैर केतरो कैनेटिक एनर्जी लाजमी बई बॉडी मोशन में या सिस्टम की टोटल कैनेटिक एनर्जी टकराण का पैरियां केतरी टकराण का पोए वरी भी मोमेंटम एंड कैनेटिक एनर्जी सिस्टम की सागी रहे। हाँ थे पो मिसाल जहरी एक बॉडी है जो मास एम वन जो मास एम टू बई फर्ज सागे डायरेक्शन में इनकी रफ्तार यू वन इनकी रफ्तार सारी इनकी रफ्तार यू टू इनकी रफ्तार यू वन ही स्ट्राइकर टारगेट हाँ इनकी रफ्तार फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकंड इनकी रफ्तार 4 मीटर पर सेकंड फॉर एग्जांपल टकराण का पोए ये बॉडी इनके धक दियणे तो इनकी रफ्तार टकराण का पोए आफ्टर कोलियन जिका असा जाहिर था क्यों वी टू असा या थी थी वजे 4 मीटर पर सेकंड ये बॉडी जिका धकणे थी लाजमिया ये बॉडी इनके पोते धकण थी तो ये स्ट्राइकर स्लो थी वो तो एम वन की रफ्तार जिका वी वन से जाहिर था क्यों इनकी रफ्तार 2 मीटर पर सेकंड थी वजे। हाँ थे तो इन टकराव में ये बॉडीज एक बे के रफ्तार एक्सटे माना सिस्टम में बॉडीज बई बॉडीज वेलासिटी एक बे में एक्सटेंड थी कन नतीजे तौर बिन्हीं जो मोमेंटम एक बे में एक्सटेंड थी वो बिन्हीं की किरण की एनर्जी में एक्सटेंड थी वी ओवरऑल सजे सिस्टम की मोमेंटम एंड किरण की एनर्जी वरी सागी रहती। ताने एड़ो कोलियन जे में टकराण का पेरा जो मोमेंटम आने बिनी जो गडल किनेटिक एनर्जी केतरी आ बिनी जी टकर थियो टकराण का पोए वरी इन सिस्टम जी जका किनेटिक ए मोमेंटम किनेटिक एनर्जी ए मोमेंटम टकराण का पेरा हो टकराण का पोए सजे सिस्टम जो फर्क छ थियो इन जो मोमेंटम ए किनेटिक एनर्जी इन जे की वे इन जे ने में की वे बस यो फर्क थियो वरी टोटल सिस्टम जो मोमेंटम ही किनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे हो सागो रहे हो अनचेंज अनअल्टर्ड ताने यो कोलियन सिंबल है इलास्टिक कोलियन अने नॉट परफेक्ट बट नियरली क्लोज क्लोज जिके इलास्टिक कोलियन होता मिसाल बस सॉलिड बॉल्स हैं माना एडिशन टकराजन ये के एक बी के ट्रेडो चिपो फिटो न कर शिकिल न बिगाड़न एक बी की स्ट्रक्चर न बिगाड़न ये बलो जा सॉलिड बॉल है या ब्लोर ब्लोर टकराए बाइन तो एक बी के ट्रेडो फिटो चिपो न करना है स्टील जा सॉलिड बॉल जा टकराए जन तो यो नियरली इलास्टिक कोलियन ब ब्लोर ब मार्बल्स जा टकराए जन
यानी कोलियन बिटवीन टू स्टील बॉल्स, कोलियन बिटवीन टू मार्बल्स, दीज कोलियंस आर एग्जांपल्स ऑफ नियरली इलास्टिक कोलियंस. कोलियन बिटवीन टू यानी सॉलिड बॉल स्टील बॉल्स आर कोलियन बिटवीन टू मार्बल्स. ये स्टील बॉल्स हैं, स्टील बॉल्स ये फर्स्ट क्यू मार्बल्स, ये मार्बल्स हैं बिलो रहे हैं. तो सुबाने तांगी को सवाल चे शेंग वेडियो जन तांगे मिसाल बा मार्बल जवन या बा स्टील बॉल टकराण मल कॉमन सेंस ही गाला दी टकराण मल की बिगे की बोर्ड ट्रेडो पेडो न कना ते यो टकरा नियरली लास्ट कोलियन उने का पोए इन लास्ट कोलियन अने इन लास्ट कोलियन लेयर लचकदार टकरा इन लास्ट कोलियन इन लास्ट कोलियन बाबा आने ने भी चाहती दो इन दिस कोलियन द मोमेंटम मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर बिफोर एंड आफ्टर कोलियन before and after coulomb remains same but kinetic energy changes par kinetic energy tabdil thindi mana inelastic coulomb mein takran ka pehre aayi baad mein momentum sagu randwa par kinetic energy tabdil thindi to poiyo coulomb baba yo coulomb jo hai so इनलास्टिक में शामिल है. यो कोलियन को इनलास्टिक में शामिल है. आने एड़े कोलियन मिसाल की हैं बस यो टकराए जन एक बेगे ट्रेड हो फिर वो चिबो करे जन ने बिगाड़े चलन. मिसाल पर रबड़ जा बाल ये रबड़ जो बाल तो सर के हो ये रबड़ जो बाल भाई टकराए बात है टकराए ना मेल जिन मल फर्स्ट के हो टकराए जन था तो टकराए ना मेल एक बेजी ये शिकिल जिकाए सा फर्स्ट के हो ये टकराए ना मेल ये एक बेनी है शिकल बिगाड़े चलन मिसाल ये टेढ़ा थी वजन सागे नमूने सा बलारी में टकराए जन कोलियन बिटवीन टू लॉरीज बाई लारी में बिगे चिबो करे तो चलन पिलो करे चलन पर रेसलर्स जा कुला टकराए बाद थोड़े टाइम मिला हुए डिफॉर्म आना उन्हें जो जो को स्ट्रक्चर आवा तो ये चिप जीवी दिया बिगड़ जीवी दिया वो अलग शायद वही वापस जीवी दी ता एड़े नमूने सा एड़ा टकरा ब जानवर दा टकराए जन ब मेहू जो टकराए जन ब डगियू जो टकराए जन ता थोरो कॉमन सेंस ही गाला त जे कना फर्स्ट क्यो एडिशन टकराए जे के इंपैक्ट मेल टकरा मेल एक बेजी तोरी शक्ल ये बिगाड़े चलन त पोयो टकरा नियरली इन इलास्टिक कोले ना ये याद रख लियो ते यो इलास्टिक इन इलास्टिक इलास्टिक में वरी ब वंस अगेन momentum kinetic energy before and after coulomb remains same yani baba momentum ta sagu dure par kinetic energy inelastic mein change kiya okay to ye tand wala tum use ne kar liye unka koi asan da pya law of conservation of momentum momentum ye baka jo kanun law of conservation of linear momentum ya simply momentum topic thi law of conservation of linear momentum ya simply momentum chus law of conservation of linear momentum or momentum This law states that total momentum of an isolated system before isolated system
बिफोर एंड आफ्टर कोलियन, बिफोर एंड आफ्टर कोलियन रिमेन्स कंजर्व्ड आर कांस्टेंट आर अनचेंज्ड। ये सब लफ्ज इस्तेमाल देना है। दिस लास्टेड दैट, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दिस लास्टेड दैट टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलियन रिमेन्स कंजर्व्ड आर सेम आर अनचेंज्ड। थोड़ी वाला आता कि सोनी बाबा सामंट की बॉडीज तस्वर के वो सिस्टम दैट कंटेन्स या कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2। बोथ बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन अलॉन्ग इन सेम लाइन। ये बॉडी सेकंड बॉडी है जिका रफ्तार इनके रफ्तार दी दा टकराण दा पे रहा है u2 आई स्ट्राइक करा इनके रफ्तार यने ये रफ्तार है बाबा u2 आई ये रफ्तार वधी का ये u1 ना टकराण का सेकंड बॉडी की रफ्तार यानी m2 की रफ्तार जाहिर कंदासी u2 स्ट्राइकर की रफ्तार यानी m1 की रफ्तार जाहिर कंदासी सॉरी v2 स्ट्राइकर की रफ्तार आफ्टर कोलियन जाहिर कंदासी v1 सां। रफ्तार टक्कर थो टक्कर धक ये फास्ट थी वही इनके धक लाजमी है स्ट्राइकर धक हणंदर चुटी स्लो थी पर जैसे धक लगो वो फास्ट थी तो हे एरो वही इन मुकाबले में मुकाबले ये एरो वो घट थी माना रफ्तार धक हणंदर की रफ्तार घट थी वही धक खाईंदड़ की रफ्तार वही वही u1 u2 रफ्तारों बिफोर कोलियन सिंबलाइज के रफ्तारों v1 v2 आफ्टर कोलियन। हाँ पान के खबर मोमेंटम दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हाँ हिसाब किताब कैलकुलेशन को क्यों पर डायरेक्ट मैथमेटिकल फॉर्म तो लिखा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो मैथमेटिकल फॉर्म तो लिखा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलियन सो टोटल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 ई पेरी बॉडी का मोमेंटम टकराण का पेरिया प्लस बी बॉडी का मोमेंटम टकराण का पेरिया ई टोटल मोमेंटम बिफोर कोलियन ई होती नो नी टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलियन m1 v1 प्लस m2 ताड़ी विच में बराबर की निशानियां ही टोटल मोमेंटम सिस्टम जो बिफोर कोलियन बराबर है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलियन ही बिफोर कोलियन ही आफ्टर कोलियन BCAC बिफोर कोलियन इज इक्वल टू आफ्टर कोलियन। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है ऐसा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलियन बराबर टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलियन।
तो यो मैथमेटिकली फॉर्म आए असो उनका पी अस फॉर्मूला मां डायरेक्ट लिखा तो पो तो जैमें टॉपिक असि है यानी वेलासिटीज ऑफ बॉडीज आफ्टर इलास्टिक कोलियन वन डायमेंशन हाँ टकराने का ये रफ्तार की लगे स्ट्राइकर की रफ्तार केतरी बीठी या की लगे ये फॉर्मूलो जैके धक लगो आ टारगेट की रफ्तार सेकंड बॉडी की रफ्तार वी टू की लगे तो असि जी टॉपिक थी वह टॉपिक असि है वेलासिटीज ऑफ बॉडीज आफ्टर इलास्टिक कोलियन इन वन डायमेंशन वेलासिटीज ऑफ बॉडीज वेलासिटीज ऑफ बॉडीज आफ्टर इलास्टिक कोलियन इन वन डायमेंशन आफ्टर इलास्टिक कोलियन वन डायमेंशन बाबा वन डायमेंशन यानी सो वन डायमेंशनल कोलियन टक्कर थी माना इन बॉडी में टक्कर लगनी टक्कर थी टक्कर का अस ये रफ्तार कि लगो धक् हणंदड़ की रफ्तार केतरी थी हुई धक् खाइंदड़ की रफ्तार ताजे तमा बिलोर निकले तो अगे स्ट्राइकर पे बिलोर निकतो स्ट्राइकर के लगो धक् बिलोर वही स्ट्राइकर के हय धक् हण का यानी ताजे हथ में जो बिलोर निकतो धक् हण का इनके चुटी वही तो वी वन यानी आफ्टर कोलियन रफ्तार केतरी बीहंदी जैसे धक् लगो उन रफ्तार कि मालूम कजें तो इन फॉर्मूला में हाँ फर्स्ट बॉडी की रफ्तार यानी आफ्टर कोलियन वेलासिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी वी वन स्ट्राइकर की रफ्तार एम वन की रफ्तार वह कें भी उन फॉर्मूलो ये वही पे एम वन माइनस एम टू अपान एम वन प्लस एम टू यू वन प्लस 2m2 upon m1 plus m2 बाबा u2 याद रखो हाँ यह इक्वेशन तक याद हो एंट्री टेस्ट में करेक्ट फॉर्म दई सट मत प्लस माइनस चेंज कर या उन करेक्ट फॉर्म तक जहन में हुए हाँ ये बाबा ये है ती रफ्तार जिका बॉडी धक् हणे थी धक् हण का आफ्टर बिफोर कोलियन रफ्तार तो यू वन आफ्टर कोलियन स्ट्राइकर की रफ्तार धक् हण का कोलाई कोलाइड थे रफ्तार वी वन या कें भी है फॉर्मूला जरिए ईसो खुद संदस स्ट्राइकर जो मास ही धक् खाइंदड़ जो यानी टारगेट जो मास अपान स्ट्राइकर जो मास टारगेट जो मास ही स्ट्राइकर की रफ्तार बिफोर कोलियन केतरी रफ्तार से धक् हण वे तो टकराण का पैरा रफ्तार प्लस टू एम टू माना टारगेट जो मास अपान स्ट्राइकर जो मास टारगेट जो मास यू टू जी रफ्तार इस टारगेट की रफ्तार तो टारगेट के अगर धक् न लगो धक् लगण का पैरिया आया इन रफ्तार केतरी बीठल हो तो यू टू जीरो लिखो जले पो मोशन में आ लाजमी है उन रफ्तार का ना जानी तो हि यू टू रफ्तार है टारगेट की रफ्तार बिफोर कोलियन यू वन है स्ट्राइकर की रफ्तार बिफोर कोलियन वी वन है स्ट्राइकर की रफ्तार आफ्टर कोलियन तो ये फॉर्मूलो तहन में रखो उन सेकंड बॉडी स्ट्राइकर टारगेट की रफ्तार v2 इज इक्वल 2m1 अपान m1 प्लस m2 u1 प्लस m2 माइनस m1 अपान m1 प्लस m2 u2 और यो फॉर्मूला है वरी इनके तहन में रखो पव याद करो पव मत यो फॉर्मूलो रॉन्ग राइट ऑप्शन में दे थोड़ो अगत पे कर राइट फॉर्मूला
फॉर्म में याद हो जाए अने ही आए बाबा याने रफ्तार केंद्रीय आया ये रफ्तार है ताजी फॉर्मूला है द टारगेट के धकलगन आफ्टर कोलियन ने जी रफ्तार कितनी बेंदी बी टू याने फॉर्मूला दे लिया इतने चाहे स्ट्राइकर जो मास टारगेट जो मास स्ट्राइकर जी रफ्तार टकरान का पेरिया इनके जो धक लगो उन बॉडी केतरी रफ्तार से आई पी टकरण का पे रफ्तार प्लस टारगेट जो मास स्ट्राइकर जो मास टारगेट जो मास स्ट्राइकर जो टारगेट की रफ्तार बिफोर कोलियन अना धक उनके न लगो धक लगन का पे या जो सेकंड बॉडी उनकी रफ्तार केतरी यो यू टू तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट बिन्हीं फॉर्मूला से जेने में रख जो असा इन वे स्पेशल केसिस केसिस के वे सेकंड लेक्चर में असा फॉलो करा पो ख्याल कजो अल्लाह हाफिज़।